चुल्लवग वत्तु खंदक 246 और 247 नंबर के जो सूत हैं उनमें बड़ी खास बात है। आपने देखा होगा कुछ लोग लहसुन खाते हैं, कुछ लोग लहसुन नहीं खाते। ये लहसुन खाने की और लहसुन ना खाने की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, ये बुद्ध के समय से आई हुई है। ये बुद्ध ने इसको बताया हुआ है। एक बार एक सभा के अंदर जब एक बड़ी परिषद और बड़ी सभा हो रही थी, तो एक भिक्खु दूर बैठा हुआ था अकेला। भगवान ने पूछा कि भिक्खु ये जो भंते, ये जो भिक्खु है दूर क्यों बैठा हुआ है? तो भिक्खु ने कहा कि भंते ये इसलिए दूर बैठे हुए हैं कि इन्होंने लहसुन खाया है और लहसुन की बदबू से किसी को परेशानी ना हो, भिक्खु की किसी को ऐतराज़ ना हो, इसलिए ये दूर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा पदार्थ खाना चाहिए, भगवान कहते हैं क्या कोई ऐसा पदार्थ खाना चाहिए जिससे सभा में परिषद में किसी को परेशानी हो? तो भिक्खु ने कहा कि भंते नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर लहसुन नहीं खाना चाहिए, इससे परेशानी होती है, और लहसुन खाना बंद हो गया। सूत नंबर 246 है। फिर आरंभ कैसे हुआ? एक बार जो सारिपुत्र हैं उनके पेट में दर्द हुआ, सारिपुत्र के पेट में दर्द हुआ, तो महा मोगलैन ने पूछा उनसे कि सारिपुत्र ये पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? तो सारिपुत्र ने कहा कि लहसुन खा के ये ठीक हो जाएगा। ये बात भगवान के संज्ञान में आई, तो भगवान ने कहा कि अगर कोई रोगी है तो वो लहसुन खा सकता है, यानी रोगी है लहसुन खा सकता है, और फिर लहसुन खाना रोगी के लिए वर्जित नहीं था। तो यहाँ तीन बातें स्पष्ट हैं। पहली तो स्पष्ट बात यह है कि कोई भी ऐसा खाना जो किसी सभा में परेशानी पैदा करे, खाली लहसुन की बात नहीं है, कोई और भी हो सकता है जिससे बदबू आए, टकार आए, पेट में गैस आए, अफारे आए या जी मिचलाए, तो वो खाना खा के सभा में नहीं आना है, वर्जित है। दूसरा ये है कि खाना पदार्थ कोई वर्जित नहीं है, अगर वो रोग में फ़ायदा देता है तो उसको खा सकता है, तो लहसुन को खा सकता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारा खाने का, लहसुन का खाना या नहीं खाना, ये भिक्खुओं के लिए है। जो नियम है भगवान ने बताया, ये भिक्खुओं के लिए बनाया है। तो इसलिए लहसुन खाना या नहीं खाना आम आदमी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। आम आदमी खा सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, अगर उसको अच्छा लगता है तो, खराब लगता है तो, क्योंकि खाने की चीज़ है। तो ये नियम बाद में चला, कुछ लोग लहसुन खाने लगे, कुछ लोग नहीं खाने लगे, कुछ ने कहा भगवान ने मना किया है, कुछ ने कहा भगवान ने कहा है, कुछ लोग उसे खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। मगर ये एक भ्रम सा फैल गया, लोगों को सही जानकारी नहीं हुई। अगर वो धम्म को सही तरह से जानते और धम्म के चुल्लवक के खुद्दक वत्तु खंदक का पढ़ लेते 246 और 247 को, तो उन्हें ये पता चल जाता कि लहसुन खाना या ना खाना सिर्फ भिक्खुओं के लिए है आदेश, बाकी आम आदमी के लिए कोई आदेश नहीं है। वो खाए तो उसकी मर्जी, ना खाए तो मर्जी, खाने की चीज़ है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Yeah.
अच्छा।